नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से आसन से कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, साथ ही इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाना चाहता है, क्योंकि धन के बिना जीवन संभव नहीं है। धन के बिना आप सुख सुविधाओं वाला सामान नहीं खरीद सकते। दरअसल बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो धन तो बहुत कमाते हैं, लेकिन इनके पास किसी कारण से धन टिकता नहीं है, जिसकी वजह से वह काफी परेशान रहते हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप रविवार के दिन करना है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन है और सूर्योदय को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो रविवार के दिन रात को सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास पानी में थोड़ा सा दूध डालकर सोइए। लेकिन इस बात का ध्यान दें कि इसे ऐसी जगह पर रखें कि रात को सोते समय आपके हाथ से लगकर यह गिर ना जाए। अब सुबह उठिए और स्नान करने के बाद इसे बबूल के पेड़ के जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन टिकने लगेगा और आपके मन को शांति का एहसास होगा। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, यानी कि आपका काम में किसी भी तरह का कोई अड़चन आ रहा है, तो रविवार का दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाइए या फिर काली चिड़िया को दाना डालिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाले सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि रविवार का दिन काले तिल या फिर काली उड़द का दान करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। इसके साथ ही आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बना रहता है। रविवार के दिन सुबह जल्दी उठिए और फिर सूर्यदेव को जल दें। जल देते समय जल की धारा में से सूर्यदेव के दर्शन करें। ऐसा करने से आंखों की ज्योति बढ़ती है और आप बीमारियों से बची रहती है। आपके घर परिवार के सदस्यों के आसपास भी बीमारी नहीं पड़ता। इसके अलावा आप जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो रविवार के दिन आपको भगवान सूर्य देव की कृपा मिलने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखा घी का दीपक जलाइए। चौमुखा दीपक मतलब कि जिस दीपक को आप चारों तरफ से जला सकते हैं, इससे व्यापार में वृद्धि होता है। इसके साथ ही घर में धन आने के कई रास्ते बनते हैं। इतना ही नहीं, घर में सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर हो जाता है। दोस्तों, आप पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन वह पैसा घर में नहीं टिकता, व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है। तो ऐसे में आप ये उपाय करें, किसी भी शुभ मुहूर्त पर सुबह जल्दी उठकर लाल रेशम का कपड़ा लें और उसमें अखंडित एक ही चावल के दाने बांध लें। इसके बाद लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा में कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजा के बाद माता रानी से अपने मनोकामना मांगे और चावल की पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगा। धन प्राप्ति के लिए आप रोजाना सुबह जल्दी उठिए और उठकर आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखकर देवी लक्ष्मी का स्मरण करें। इससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और माँ सरस्वती भी आपसे प्रसन्न होंगे। सुबह उठकर सबसे पहले घर की गृहिणी अगर एक लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में माँ लक्ष्मी के आने के रास्ते खुल जाते हैं। घर में पैसा रखने वाली अलमारी का मोल उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ता है। घर की गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है, कभी भी उसका अपमान न करें, हमेशा सम्मान दें। अपने माता पिता को अपनी आय में से एक निर्धारित हिस्सा हर महीने जरूर दें।
रात को सोने से पहले अपने पास रखे नोटों की गिनती करके सोएं और विनती करें कि धन तुम मेरे पास आओ, जो रास्ता तुम्हें सही लगे तुम उस रास्ते से आओ। हे धन तुम 3 गुना बढ़कर आओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए मेरे पास आओ, हम तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हैं। इस बात का ध्यान रखें कि नोटों की गिनती कभी भी उंगलियों पर थूक लगाकर नहीं करनी चाहिए। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू न लगाएं। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को दूध दही या प्याज नहीं देना चाहिए। किसी भी बाहरी व्यक्ति को आपको ये चीजें सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, इससे घर में बरकत खत्म हो जाता है। तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें। घर में झाड़ू किसी साफ किसी सुनिश्चित स्थान पर ही रखें। ऐसे ही इधर उधर झाड़ू आपको नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना जाता है, उसे ना तो खड़ा करके रखा जाता है और ना ही उसे पैर लगाया जाता है, क्योंकि इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप इसका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ कर जा सकती है। दोस्तों, अगर झाड़ू को आप दूसरे झाड़ू के साथ सटाकर रखते हैं या भिरा कर रखते हैं तो इससे घर में कलेश की स्थिति बना रहता है। जहाँ गंदगी रहता है वहाँ माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होता, अतः घर के आसपास भी आप किसी भी तरह की गंदगी जमा ना होने दें। साफ सफाई का ख्याल रखें। घर में भी कहीं पर भी पूरा कचरा जमा ना होने दें। घर में कोई ऐसी चीज है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस चीज को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।